नमस्ते एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक शूडो में। फ्रेंड्स, ओप्पो रेनो 7 सीरीज का और एक स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, वो है ओप्पो रेनो 7Z। आज के वीडियो में हम इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आप लोगों को 6.43 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ज। इसका पिक्सल डेंसिटी है 409 ppi। इसका पीक ब्राइटनेस है 600 nits। ये एक पंचोल डिस्प्ले है एंड इस फोन के राइट साइड में आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड इस कैमरा सेटअप के साइड में आप लोगों को नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिलेगा। इस फोन में आप लोगों को प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f1.7। इसके बाद आप लोगों को एक मैक्रो कैमरा मिल जाएगा जो कि है 2 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। इसके साथ साथ आप लोगों को एक डेप्थ कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो कि होगा 2 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। बैक साइड में आप लोगों को एलईडी फ्लैश मिल जाता है। यह कैमरा 180p 30fps तक वीडियो को शूट कर सकता है। इस फोन के फ्रंट साइड में आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। यह कैमरा भी 180p 30fps तक वीडियो को शूट कर सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा कलर ओएस 12। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे। एक सेकंड फ्रेंड्स रुक जाइए, परफॉर्मेंस पे जाने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पास के बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब बढ़ते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। इस फोन में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि एक 6 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका 2 कोर 2.2 GHz पे क्लॉक किया गया है कायो 660 गोल्ड के साथ और 6 कोर आप लोगों को मिल जाते हैं 1.7 GHz पे क्लॉक किया गया हुआ कायो 660 सिल्वर के साथ। इस फोन में आप लोगों को GPU मिल जाता है एड्रीनो 619। ये फोन लाउडस्पीकर के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को 3.5mAh जैक मिल जाएगा। अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे। इस फोन में आप लोगों को 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी। ये फोन 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है एंड इस फोन में आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा USB Type-C 2.0। अब बात करते हैं इस फोन के रैम एंड स्टोरेज के बारे में। ये फोन आप लोगों को एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आप लोगों को स्टोरेज टाइप मिल जाएगा UFS 2.2 एंड रैम टाइप आप लोगों को मिल जाएगा LPDDR4X। इस फोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा सकते हैं। यह फोन 5G सपोर्टेड होगा। अब बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में। यह फोन इंडिया में मार्च के लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। इसका प्राइस होने वाला है अराउंड 25,000। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हाँ, जरूर से कॉमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।